तो पहले एंट्री करेंगे हम स्टेट में, वो करेंगे झारखंड। चल बेटा झारखंड पहले यहाँ का बाहर। अब हम पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश सेकंड, उसमें फटाफट दिखाते हैं आपको इसकी करते हैं एंट्री। थर्ड वन इस बिहार, फटाफट पहले कित पहले अच्छा लगता था मुझे तो एंट्रेंस से पता था। पहले हम जब जाते थे ना, पहले जब अपना टाइम पास हो जाते पहले गुफा पढ़ते थे। यहाँ से स्टार्ट होता है उत्तराखंड का स्टॉल। अब आपको दिखाते हैं एक्सप्लोर करके धीरे धीरे। यह है बुरास का जूस निकला जाके, मैं रहा हूँ लोहाघाट की शान। इससे पहले ही टैट भी हमें तो एक्सपीरियंस है भी, हम शुरुआत हुई एकदम हमारी। अब रेड कार्पेट पे चलते हैं, पहुँचते हैं आपको मिल के दिखाते हैं कहाँ जाना है। और जैसा मैं कह रहा था कि बच्चों को क्यों लाना चाहिए यहाँ, उस चीज़ के लिए मैं आपको दिखाता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ पावर। क्योंकि जो जो हमारे उधर न्यू इम्प्लीमेंट हो रहा है और जो हो रहा है उसके बारे में पूरा दिखाया गया। NTPC इसे NHPC सारा कुछ दिखाया गया इसमें। तो पहले एंट्री करेंगे हम स्टेट में, वो करेंगे झारखंड। चल बेटा झारखंड पहले यहाँ का बाहर का आउटलुक दिखाते हैं क्या क्या है इसका ये। फिर अब होती है झारखंड की एंट्री। चलो फिर आपको यहाँ की क्या क्या ट्रेडिशनल वो चीज़ें दिखाते हैं। जैसे एंट्रेंस में ही आप देखेंगे ये देखिए ड्रेसअप बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देख इनके साथ एक फोटो बनती है। उत्तराखंड में होते हैं ढोल नगाड़ा और यहाँ पे याले नगाड़ा बजाने को मिला मुझे। ड्रेस कल्चर जो है बहुत अच्छा है। और अब आप देख रहे होंगे जो हमारे सामने हैं वह हैं चीफ सेक्रेटरी झारखंड। और बहुत ही अच्छा टाइम मिला है मुझे जो कि अब मैं एंट्रेंस करी उस पर मैम के वो मैम है अपने बातें कर रही हूँ। अब हम पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश सेकंड, उसमें फटाफट दिखाते हैं आपको इसकी करते हैं एंट्रेंस। इन सब स्टेट्स को एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल है गाइस। जैसे कि मैं आपको लाता हूँ उत्तर प्रदेश, वहाँ से शुरुआत होती है। जैसे हाथरस की हींग सुपर से दे दे। ये देख सकते हैं अब यूपी में। थर्ड वन इस बिहार, फटाफट पहले कित पहले अच्छा लगता था मुझे तो एंट्रेंस से पता था। पहले हम जब जाते थे ना, पहले जब अपना टाइम पास हो जाते पहले गुफा पढ़ती थी बिहार में जाते थे गुफा पढ़ती थी। आज हम जैसे अब छठ पूजा का जी ठिकवा तो तुमने खाया ये खुशी उसके ऊपर दे। ये है कलाकृति। और अब यहाँ पे वो अब कपड़ों का है, पहले ना बड़े बड़े इनके पवेलियन लगते थे बिहार के। और तो अच्छा इसका बिहार का मतलब इसमें यहाँ का बहुत काम होता है। इस बार स्टॉल कम कर। ये है पूरा व्यू दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ से और वो चल रहे हैं, देखो लाइव शो चल रहा है सामने ज्यादातर फूड। मगर सबसे पहले हम जाना चाहेंगे उत्तराखंड के, उत्तराखंड के ब्लॉक में जाएंगे उसमें है। और हम करीब पहुँचे हैं भैया, बहुत ढूंढने के बाद पता लगा ऑल फोर में हमारा स्टेट है। ऑल फोर में है जय उत्तराखंड, जय देव उत्तराखंड। पहले राज्य गुजरात कर्नाटक मध्य प्रदेश तमिलनाडु उत्तराखंड। अब आपको ले चलते हैं एंट्रेंस। सबसे फर्स्ट लुक है गुजरात का। माय गॉड गुजरात। गुज्जू फैंस ये देखो आप गुजरात में आ गए हम। चलो ठीक है फटाफट दिखाते हैं उसके बाद हम, क्योंकि एक्साइटेड कहाँ हैं उनको दिखाएंगे। मेरे ख्याल से हर
जिस ब्लॉक में भी जाओ सब जगह कपड़े ही कपड़े बनाते हैं सारे स्टेट, और कुछ नहीं बनाते हैं। वैसे तो बहुत कुछ दिखाते हैं, और जब हम आते हैं तो यहाँ कपड़े वहाँ होते सारे। देखो हम पहुँच चुके हैं उत्तराखंड देवभूमि में, और देवभूमि में सबसे पहले मिली धामी जी से, फिर उसके बाद यहाँ का एंट्रेंस। और आप देख सकते हैं जैसे मैं हल्का दिखाऊँ आपको, जो कि आप सेंटर में बैठे हो पिछौड़े के साथ, उत्तराखंड का अपना लुक है। पहले मैं यहाँ से लूँगा एक फोटो। यहाँ से स्टार्ट होता है उत्तराखंड का स्टॉल। अब आपको दिखाते हैं एक्सप्लोर करके धीरे धीरे, जैसे कि जो हमारे ये देखिए और उत्तराखंड का जैसे आपने बताया था पिछौड़ा हमारी पहचान है। ये देखिए सारा ये मंदिर देखिए आप, सशक्त उत्तराखंड पूरा है उसका, और उसके आते ही ये है पहुंचे उत्तराखंड में। तो आपको धीरे धीरे दिखाते हैं ये है चंपावत की क्या चीज़ फेमस होती है दिखाएंगे। अभी होता है दो जनों के साथ आओ तो खुशी है, तो वो दिखाएगी चंपावत का ये है, और नैनीताल के ये हैं, हरिद्वार का वो हर चीज़ का। देखो यहाँ पे देखिए आप, जो राजमा कह रहे थे मैं आज अपने दोस्त से बात कर रहा था कि राजमा कहाँ के फेमस है, तो देखिए सारे उत्तराखंड की मार्केट में ही पहुँच गए। आर एस टेक्सटाइल बजाज हाउस देहरादून, ये देखिए सारा जिस जिस स्टॉल लगा रखा सारा स्टॉल का दिखा रहे हैं। जैसे ये देख इनका स्टॉल, जैसे एक वो होता ना खादी सा, अभी वो नहीं है भारी सा, इसका प्राइस भी इनका ज़्यादा ले लेते हैं। ये कहाँ से हैं, मैं इनसे बात कर रहा था कि जो सारे सोफे वोफे हैं ये किन के लिए, तो बता रहे थे VIP के लिए। मैंने कहा VIP के लिए क्या है, VIP तो सारे दिन बैठ के आते हैं, वो तो हम जैसों के लिए होना चाहिए जब भाई दिन भर घूम रहे हैं पैदा हैं ड्यूटी कर रहे हैं डायरेक्ट पहुँच रहे हैं जैसे मर्जी। अच्छा लग रहा है अपना उत्तराखंड का, तो लगना भी चाहिए भाई साहब। आप उत्तराखंड में अब आपको दिखा रहे हैं जो टनल में जो ट्रेन बनी है उसके बारे में कुछ लाइव, ये देखिए उत्तराखंड स्टॉल में तो ग्रास का जूस लेके देखते हैं अलग अलग फ्लेवर, ये तो पी लेते हैं लीची इसका जायका लेते हैं। इनको पिलाया पहले बार बच्चों, कैसा लगा टेस्ट है ना, ये है ब्रास का जूस। चलो ले लो एक गिलास ले लो। और मैं हूँ अमित के पास जो कि चंपावत से, तो इनके आइटम आपको दिखाता हूँ जैसे दो आप चंपावत से लोहागढ़ से, अरे वाह लोहागढ़ से बहुत बढ़िया, लोहागढ़ तो हमारी आगे बड़ा अच्छा लगता है। देखो ये तो भाई लोहा घाट का ही निकला जाके मैं रहा हूँ, लोहा घाट की शान। अब मुझे लोहा घाट की शान से मतलब, वहाँ पे लोहा घाट के काफ़ी फेमस होते हैं बर्तन। कर रहे थे उत्तराखंड अपने उसमें जाने का, तो इसलिए कर रहे थे। देखो अपने ट्रेडिशनल चीज़ें होते हैं बच्चों को भी पसंद आता है, तो मैं काफ़ी कुछ देखा है यहाँ। आजकल जो चल रहा है ट्रेन में ये है पिछोड़ा, तो हर जगह मिल जाता, मगर जब आए हों तो एक बार देख तो लें क्या चल रहा है। और उसमें अच्छा ही है कि ये रानी खेत के ही हैं जो है। और ये है पूरा वुडन मार्केट उत्तराखंड, बम्बू का बांसों से बना हुआ सारा प्रोडक्ट है। जैसे वो दिखा रहे थे ना पहले हमारे यहाँ छापड़ी कहते थे, पहले कहते थे सापोल वो ही क्या रखने के लिए हैं। अब उन्हें तो ये पसंद आ रही है कि क्या चीज़ है वो ही है ना, और हमारे रॉड रखने की छापड़ कहते थे ना वही है। कैसा लगा इस साल यहाँ पे लगा आपको अभी तक, क्या रिस्पॉन्स रहा है? सर बढ़िया रहा, बढ़िया रहा ना।
चलो अच्छा है, यही चीज देख रहे हैं। चलो बेटा।